प्रदेश में इस बार कम बारिश होने के कारण उत्पन्न हुई सूखे की स्थिति व गर्मियों की दस्तक के साथ ही इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने कारगर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने धर्मशाला में गर्मी के मौसम में सूखे की संभावित स्थिति से निपटने के लिए जिला कांगड़ा के अधिकारियों की बैठक ली। आईपीएच मंत्री ने धर्मशाला कॉलेज के सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ सूखे की संभावित स्थिति से निपटने के विभिन्न एहतियात उपाय एवं कदमों के बारे में विचार विमर्श किया। बैठक में जिला भर के सभी तहसीलों के अंतर्गत आने वाले सूखा संभावित पंचायतों पर भी चर्चा की गई। महेंद्र सिंह ठाकुर ने तत्काल प्रभाव में सूखे से निपटने के लिए अल्पकालिक व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि फिलहाल सभी क्षेत्रों में स्थिति संतोषजनक है और जिन क्षेत्रों में पीने के पानी के स्तर में कमी आई है उन स्थानों पर वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि गर्मी में सूखे की स्थिति न हो ताकि लोगों को पानी की समस्या से दो चार न होना पड़े। उन्होंने कहा कि ये बैठक जिला स्तर की थी लेकिन अगली बैठक जिला स्तर की ना होकर बल्कि पूरे प्रदेश का दौरा कर वे खुद सभी स्कीमों और परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि वहां पर अधिकारियों की तरफ से कोई कोताही बरती गई पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उन्हें नौकरी से भी बर्खास्त किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हैंडपंप लगाने के लिए स्थान चिन्हित कर आगामी प्रक्रिया के लिए तैयार रहने के निर्देश भी दिए हैं। आदेश दिए हैं कि इस बार की बैठक मेरी जिला स्तर की बैठक हुई है लेकिन अगली बार की बैठक मेरी जिला स्तर की बैठक नहीं होगी। अगली बार का मेरा भ्रमण जो है वो पूरे प्रदेश का भ्रमण होगा। मैं विभिन्न स्कीमों को चेक करूंगा, विभिन्न परियोजनाओं को चेक करूंगा और अगर वहां पर किसी प्रकार की कोताही हमारे एसटीओ की तरफ से एक्शन की तरफ से किसी अधिकारी कर्मचारी की तरफ से पाई जाएगी उसके ऊपर तुरंत जो है वहां पर मौके पर भी एक्शन लिया जाएगा। मैंने एक बात कही है, मैंने एक स्कीम के बारे में कहा तो हमारे एक किसी अधिकारी ने कहा कि हम एक महीने में इस काम को कर लेंगे। हमने उनको कहा सूखाग्रस्त की बैठक है, ये महीनों के लिए नहीं होती, ये तो दिनों के लिए और घंटों के लिए है। कितने दिनों के लिए आप दिनों के अंदर आप उसको उस व्यवस्था उस वैकल्पिक व्यवस्था को पूरा करेंगे, कितने घंटों में आप उस वैकल्पिक व्यवस्था को पूरा करेंगे, एक आउटस्टैंडिंग आदेश जो है वो अधिकारियों को। ऐसा ना करने वालों पे क्या कार्रवाई की जाएगी वक्त के मुताबिक? सर अधिकारी ने झूठ बोला है, गलत इन्फॉर्मेशन दी है। जब मैं मौके पे आऊंगा तो मैं उस पे कदम उठाऊंगा। हमारे देने भाई हमारे विधायक बैठे हैं, पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हैं, ये जो मुझे रिपोर्ट देंगे उस रिपोर्ट के मुताबिक हम अगली कार्रवाई करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि अधिकारी मेरी मीटिंग में आने से पहले झूठ बोलने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि जब हमने टैंकों की सफाई का आदेश हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरे हिमाचल प्रदेश में शुरू किया था और उसमें मैंने जहां अपने चुनाव क्षेत्र में जब वो ऐसी झूठ वाले रिपोर्टें पकड़ी और मौके पे मैंने उनको सस्पेंड किया तो सबको पता है कि यहां पर झूठ बोलना जो है वर्जित है, झूठ नहीं बोला जाता, गलत रिपोर्ट नहीं दी जाती और अगर गलत रिपोर्ट देंगे पकड़े जाएंगे तो मारे जाएंगे। इस करके इस पे सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और कोई निर्दोष होगा उसको हम झूल कर फंसाएंगे नहीं, लेकिन जो दोषी होगा उसको छोड़ेंगे।